गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज फागुन मास की संकष्टी चतुर्थी के अवसर पर मैं आप सभी के समक्ष द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी की कथा, पूजा विधि और महत्व प्रस्तुत कर रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। बोलो गणेश भगवान की जय। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले उसका श्री गणेश किया जाता है, अर्थात गणेश भगवान की पूजा की जाती है। गणेश जी को सभी देवताओं में प्रथम देव माना गया है। प्रत्येक मास के दोनों पक्षों की चतुर्थी गणेश भगवान को समर्पित होती है। शुक्ल पक्ष में आने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी और कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। संकष्टी का अर्थ है संकटों को हरने वाली। हर मास की संकष्टी को गणेश भगवान के एक अलग रूप की पूजा की जाती है। फागुन मास की संकष्टी के दिन गणेश भगवान के 32 स्वरूपों में छठे रूप द्विज प्रिय की पूजा की जाती है, इसीलिए इसे द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी भी कहा जाता है। द्विज का अर्थ है दो बार जन्म लेने वाला। गणेश भगवान का द्विज प्रिय रूप हमें उस प्रसंग का याद दिलाता है जब शिव शंकर भगवान ने गणेश जी का सर धड़ से अलग कर दिया था और हाथी का सिर उनके धड़ से जोड़ दिया था। इस प्रकार गणेश जी का दो बार जन्म हुआ। द्विज प्रिय रूप में गणेश भगवान के चार सिर और चार हाथ हैं। गणेश जी के इस रूप की आराधना करने से अच्छा स्वास्थ्य और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। फागुन मास की संकष्टी चतुर्थी का विशेष महत्व माना गया है। द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी के दिन सूर्योदय से लेकर चंद्रमा उदय होने तक व्रत रखा जाता है। इसे दुंडी राज व्रत भी कहते हैं। इस दिन व्रत रखने वाले भक्तों के सभी दुख विघ्नहर्ता गणेश भगवान हर लेते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। फागुन संकष्टी चतुर्थी के व्रत की बड़ी महिमा है। आइए अब शुरू करते हैं फागुन संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। बोलो गणेश भगवान की जय। सतयुग में युवनाश्व नाम के राजा राज्य करते थे। वह बड़े ही धर्मात्मा और सदाचारी थे। उनके राज्य में वेद पाठी धर्मात्मा विष्णु शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसके 7 पुत्र थे और वह सब आपसी मनमुटाव के कारण अलग अलग रहते थे। विष्णु शर्मा क्रम से 7 बेटों के यहाँ भोजन करता हुआ वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया। बहुएं अपने ससुर का अपमान करने लगी। विष्णु शर्मा हर मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया करते थे। जब फागुन मास की संकष्टी चतुर्थी आई तो वह अपनी बड़ी बहू के पास गए और बोले, बहू आज संकष्टी चतुर्थी है, मेरे लिए पूजन की सामग्री इकट्ठी कर दो, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, नहीं तो मैं खुद ही कर लेता। तब बड़ी बहू ने कहा, पिताजी मेरे पास घर के काम से फुर्सत ही नहीं है, आप तो हमेशा ही कुछ ना कुछ लगाए रखते हो, मैं अभी यह सब नहीं कर सकती। अपनी बड़ी बहू से अपमान सहकर विष्णु शर्मा वहां से चुपचाप निकल गया और फिर वह अपनी दूसरी बहू के पास गया। दूसरी बहू ने भी विष्णु शर्मा को अपमानित करके निकाल दिया। इस तरह वह अपनी 6 बहुओं से अपमानित हो गया। अंत में वह अपनी छोटी बहू के पास गया और उसे पूजा की सामग्री इकट्ठा करने को कहा। वह बहुत ही गरीब थी, परंतु फिर भी उसने कहा, पिताजी आप दुखी ना हो, मैं अभी पूजा की सामग्री लाती हूँ। वह भिक्षा मांगकर पूजा की सामग्री ले आई। फिर उसने अपने और अपने ससुर के लिए पूजा की सामग्री इकट्ठा करके भक्ति पूर्वक विघ्न विनाशक गणेश जी की पूजा की और चंद्रोदय होने पर ससुर जी को भोजन कराया और स्वयं भूखी रह गई। आधी रात को विष्णु शर्मा की हालत खराब हो गई। उन्हें उल्टियां और दस्त होने लगे। छोटी बहू ने पूरा दिन कुछ नहीं खाया था, परंतु फिर भी वह अपने ससुर की सेवा में लगी रही। उसने उनके हाथ पैर भी धुलवाए। वह पूरी रात अपने ससुर की सेवा करती रही और इस तरह उसका जागरण भी हो गया। प्रातः काल होते ही गणेश भगवान की कृपा से उसके ससुर की तबीयत ठीक हो गई और घर में चारों ओर धन ही धन दिखाई देने लगा।
तब उसने अपने ससुर जी से पूछा, पिताजी यह सब कहाँ से आया है? तब विष्णु शर्मा ने कहा, बेटा तुम्हारे पास सामर्थ्य ना होते हुए भी तुमने गणेश भगवान की पूजा की सामग्री इकट्ठा की और मेरे साथ संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया। व्रती होकर भी तुमने मुझे खाना खिलाया और स्वयं भूखी रह गई। यह सब गणेश भगवान की ही कृपा है। फिर छोटी बहू उस सारे धन को समेटने में जुट गई और गणेश भगवान की जय जयकार करने लगी। जब बड़ी बहुओं ने छोटी बहू को अमीर देखा तो वह सब उससे ईर्ष्या करने लगी और अपने ससुर को ताने देने लगी कि पता नहीं कहां से जन्मों जन्मों का पैसा जुटाया हुआ छोटी बहू को दे दिया है। तब विष्णु शर्मा ने उन्हें संकष्टी चतुर्थी के व्रत की महिमा बताई। विष्णु शर्मा की बातें सुनकर उनकी बड़ी बहुओं को अपनी गलती का आभास हुआ और बड़ा दुख हुआ। फिर उन सब ने अपने ससुर से क्षमा मांगी और नियमित रूप से संकष्टी चतुर्थी का व्रत करना शुरू कर दिया। गणेश भगवान की कृपा से वह सब भी संपन्न हो गई। बोलो गणेश भगवान की जय। हे गणेश भगवान, जैसे आपने विष्णु शर्मा के परिवार पर कृपा की, उसी प्रकार हम सब पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। इस प्रकार फागुन संकष्टी चतुर्थी की कथा पूर्ण हुई। ओम गणेशाय नमः। आइए अब शुरू करते हैं द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी की पूजा विधि। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लें और स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी के दिन लाल रंग के वस्त्र धारण करना बहुत ही शुभ माना जाता है और साथ ही यह भी कहा जाता है कि लाल रंग के वस्त्र धारण करने से संकष्टी चतुर्थी का व्रत सफल होता है। उसके बाद गणेश जी की पूजा की शुरुआत करें। पूजा करते समय अपना मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखें। फिर गणेश जी की मूर्ति को फूलों से अच्छी तरह सजा लें। पूजा में तिल, गुड़, लड्डू, फूल, तांबे के कलश में पानी, धूप, चंदन, शमी का पत्ता, बेलपत्र और प्रसाद के तौर पर केला या नारियल रखें। पूजा करते समय गणेश जी की फोटो या मूर्ति के साथ देवी दुर्गा की प्रतिमा भी रखें। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। फिर गणपति जी को रोली लगाएं, फूल और जल अर्पित करें। फिर दोनों मूर्तियों के सामने धूप दीप जलाकर गजाननम भूत गणाधि सेवितम कपित्थ जम्बु फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम मंत्र का जाप करें। उसके बाद भगवान को तिल के लड्डू का भोग लगाएं और पूजा के बाद फल, मूंगफली, खीर, दूध या साबूदाने को छोड़कर कुछ और ना खाएं। शाम के समय चांद निकलने से पहले गणेश भगवान की पूजा करें और फागुन संकष्टी चतुर्थी की कथा का पाठ करें। उसके बाद प्रसाद को परिवारजनों में बांट दें और रात को चंद्रमा उदय होने के बाद चंद्रमा को अर्घ दें और व्रत को खोल लें। इस प्रकार संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा, पूजा विधि और महत्व पूर्ण हुए। बोलो गणेश भगवान की जय। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जय गणेश भगवान लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय गणेश जी की।